नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। आइए देख लेते हैं आज के इंदौर मंडी के आलू प्याज और लहसुन के भाव क्या भाव रहे हैं, कौन सी क्वालिटी क्या भाव तक बिक रही है। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरा आप सभी से खासकर निवेदन है, सभी किसान भाइयों से और सभी देखने वाले दर्शकों से, आप लाइक करते हैं हमारा हौसला बढ़ता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके लाइक आते हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। बात करें दर्शकों देशी लहसुन के भाव की, तो आज ऊपर में 7,000 रुपये तक एक लोट देखने को मिला है। एक्स्ट्रा मोटा साइज़ के माल जो थे 68 रुपये से लगा करके 70 रुपये तक बिके। बढ़िया मोटा साइज़ का जो लहसुन था 6,200 6,500 रुपये तक बिका। फुल गोला माल की पोजीशन 5,200 से 5,800 रुपये की रही। बढ़िया लड्डू की पोजीशन 4,200 से 5,200। मीडियम माल 2,800 रुपये से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। एवरेज मीडियम 1,500 से 2,500 रुपये। आवक 7,000 बोरी। बाजार 100 से 200 रुपये हल्का नरम देखने को मिला है। वहीं इंदौर मंडी के प्याज के भाव की बात कर ले दर्शकों, तो ऊपर में एक लोट 1,400 रुपये जरूर बिका है। बढ़िया मोटा 1,300 1,350। मीडियम माल की पोजीशन 1,200 रुपये से लगा करके 1,250 रुपये की आज देखने को मिली है। गोल्टा माल जो था 1,100 रुपये से लगा करके 1,200 रुपये तक आज बिका है। गोल्टी मालों की पोजीशन की अगर हम बात करें तो 200 रुपये से लगा करके 1,000 रुपये तक अपनी क्वालिटी के अनुसार बिके हैं। आवक लगभग 50,000 कट्टों की आज इंदौर मंडी में प्याज की देखने को मिली है। बात करें बाजार की, तो बाजार 50 रुपये नरम देखने को आज मिला है। वहीं आलू के बाजार की बात कर ले, तो चिप्स आलू जो है 1,000 रुपये से लगा करके 1,100 रुपये। राशन आलू जो है 900 रुपये से लगा करके 1,000 रुपये तक बिका है। गुल्ला आलू की पोजीशन 600 रुपये से लगा करके 800 रुपये की आज देखने को मिली है। छर्री माल की अगर हम बात करें तो 400 रुपये से 600 रुपये तक बिका है। हल्का आलू 300 रुपये से 400 रुपये। आव के लगभग 8,000 कट्टों की रही है और बाजार आलू में समान देखने को मिला है।